अभी हम ये जो दीवार है कार्टेजेना की, बहुत मशहूर विख्यात, उसके ऊपर हैं। ये दीवार जो समुद्र से दुश्मन आते थे उनसे सुरक्षा के लिए है। बहुत ही, आप देख सकते हैं, बहुत ही मोटी और ऊंची दीवार बनाई गई। फ्रेंच और इंग्लिश बेड़ा जो यहाँ पर स्पेनिश को हमला करता था उनसे बचाने के लिए, तो ये कार्तेजेना की पहली डिफेंस। तो किला तो पीछे है इसके, उसका वीडियो अलग होगा, पर आप यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। अभी सुबह आए तो कम लोग मिलेंगे और पुलिस आपको हर जगह मिलेगी, तो सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त। ये देखिए तोपे, मैं कहूँगा कि छाता जरूर रखें अपने साथ, बहुत गर्मी होती है, और सनब्लॉक जरूर लेकर आए। कार्तेजेना बहुत सुंदर शहर है, मेरे को बहुत पसंद आया। थोड़े टूरिस्ट ज़्यादा हैं शाम को खासकर, पर दिन में आप निकल जाएं तो बहुत सुंदर शहर है, खूबसूरत इमारतें हैं, और ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है 1984 से इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पे बाइक्स भी मिल जाती हैं, देखिए जैसे ये बाइक्स पे लोग हैं, तो ये बाइक्स भी मिल जाएंगी। ये कार्तेजेना का शहर बड़ा कॉलोनियल स्टाइल, स्पेनिश कॉलोनियल स्टाइल, बहुत सुंदर। यहाँ पे आपको कुछ रास्ते हुए लोग भी मिल जाएंगे, चाय कॉफ़ी पानी आपको तंग नहीं करेंगे। आप इनको नो ग्रासियस बोल दीजिए, इसका मतलब है नहीं धन्यवाद, आपको ये कुछ नहीं कहेंगे। ये देखिए नो ग्रासियस सीनियर ग्रासियस, ये देखिए ये है करेबियन सी। आज संडे है, ट्रैफिक कम है। नो हैबला स्पैनियोल, इंडिया ग्रासियस, 9 किलोमीटर्स सी सी, थैंक यू। ये देखिए करेबियन सी, इस करेबियन सी में आप निकल जाएंगे तो आप वेस्ट इंडीज पहुंच जाएंगे। वेस्ट इंडीज डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ से बहुत दूर नहीं है। हाँ, एक टोपी भी ज़रूर रखिए, टोपी भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, आज संडे का दिन है, बहुत ही सुंदर धूप निकली हुई है, बहुत सुंदर। तो ये दीवार जो है 9 किलोमीटर लंबी है, वो सज्जन बता रहे हैं। ये देखिए धूप खासी है, तो मैं आपसे कहूँगा कि छतरी जरूर लेके आए, टोपी से काम नहीं चलेगा। मैंने टोपी लगाई भी है पर बहुत धूप है, क्योंकि आप चल रहे हैं लगातार, तो अपनी सुरक्षा, त्वचा की सुरक्षा के लिए जरूर लेकर आए। कोलंबिया इक्वेटर के पास है, ये देखिए कितनी खूबसूरत इमारतें, गलियां बहुत सुंदर कॉलोनियल स्टाइल में। ये देखिए ये है दीवार,
can see. और करते हैं ना कि MCD ने इसको बहुत साफ रखा हुआ है, आपको गंद कचरा कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ आपको नोट किया होगा आपने कि यहाँ पे लोग हॉर्न ही नहीं बजाते, आपको हॉर्न नहीं मिला। ये लंबी दीवार 9 किलोमीटर, ये बैठने की जगह है यहाँ, तो लगता है शाम को लोग आते ही होंगे यहाँ बैठने के लिए। ये है अरेबियन सी। जुए मिल जाएंगे, साइकिल, सीनियर हाउ मच इज सचवे फॉर अ डे? द वन कौन कौन सा है? सचवे टूर, यस, अ गाय, वी आर टू गाय, वी हैव एन आवर एंड अ हाफ फॉर $70, $70, यस, फॉर 1.5 hours, यस सर। Thank you very much. Good luck. तो ये देख लीजिए $70 डेढ़ घंटे के लिए, अगर आपको सज्जू पे जाना है। मुझे कार्तहेना बहुत ही पसंद आया, ये बहुत ही सुंदर शहर है। यहाँ पे पुराने चर्चेस, पुराने घर आपको मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अभी तक मेंटेन किया हुआ है और साफ सफाई है और इतनी आबादी भी नहीं है। और मेरे को बहुत ही पसंद आया है और मैं इसको रिकमेंड करूँगा शहर को। अभी अगर आप कोलंबिया आए तो कार्तहेना ज़रूर आए, ये बहुत ही सुंदर शहर है। ये सब घर हैं और यहाँ पर अभी भी लोग रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और वाकई एक मतलब हर घर एक बड़ा अनोखा घर है, अलग से है, एक भी घर एक जैसा नहीं है और बहुत ही सुंदर तरीके से रखा हुआ। जब भी मैं कोलंबिया जैसे देश जो इतने रिच नहीं है और इंडिया से अगर मैं उनकी तुलना करता हूँ तो मेरे को लगता है हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई है,
कैसे बिल्डिंग्स को मेंटेन किया हुआ है, ना यहाँ ट्रैफिक है, ना कोई शोर शराबा है, ना कोई आपको जानवर मिलेंगे, ना गंद मिलेगा, ना जो एक हमारे इंडिया में 24 घंटे हॉर्न बजते रहते हैं शोर शराबा, मतलब सर दर्द हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोलंबिया से हमें सीखना चाहिए इन देशों से। एक्चुअली कॉफी शॉप में नाश्ता किया, एक बात जो मुझे बाद में पता चली कि कोलंबिया पन्ने के लिए जाना जाता है, एमरल्ड के लिए। तो अगर आप कभी कोलंबिया आएँ और आपको एमरल्ड, हीरे मोती इन चीज़ों में अगर आपको रुचि है तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। क्वालिटी बहुत ही हाई है, मैं गया था दुकान में पूछने के लिए, वेरी वेरी हाई क्वालिटी। और पन्ने के लिए कोलंबिया जाना जाता है। अपना भी होटल दिखाते हैं, हॉस्टल, होटल तो नहीं बोल सकते। तो ये है वो गली, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और बजट नहीं है तो हॉस्टल्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये बहुत ही ठीक ठाक अच्छा हॉस्टल था और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगी। तो आप हॉस्टल में रुक सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कॉम्पिटिशन दूसरे ट्रैवलर्स के साथ। और या इट वाज रियली गुड, आई रियली एंजॉयड द स्टे हियर। हर हॉस्टल में किचन प्रोवाइडेड होता है, तो आप अपना खुद की खाना खरीद के बाहर शॉप से खुद बना सकते हैं, जो मैंने किया।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट भी करें, और मैं आपको और वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।